हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन। इसमें हम 4th चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। और इसमें हमने पहला कीवर्ड सोवरेन इसको स्टडी कर लिया था। आज हम दूसरा कीवर्ड पढ़ेंगे जो कि है सोशलिस्ट। चलिए इसको समझते हैं। इवन बिफोर द टर्म वॉज एडेड बाई द 42nd Amendment इन 1976, द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहा गया है कि जो सोशलिस्ट वर्ड है उसको डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd Amendment Act of 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। इससे पहले ओरिजिनली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वहाँ पर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो हैं, वो सोशलिस्ट कंटेंट्स जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, व्हाट वाज हिटहर्टो इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नाउ बीन मेड एक्सप्लिसिट। ये कहा गया है कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सोशलिस्ट का प्रिंसिपल था, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में पहले से ही इंक्लूडेड थे। तो ये जो सोशलिस्ट का पैटर्न है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले एक इम्प्लिसिट फॉर्म में था। ठीक है। यानी ये क्या था, अंतर्निहित रूप में था, जो कि DPSP में पाया जाता था। लेकिन ये जो 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 हुआ, इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड को डायरेक्टली ऐड कर दिया गया। तो इससे अब ये कहा गया कि इसके रूप को अब क्या कर दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट बना दिया गया है। यानी अब इसको सामने ये दिख रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है। पहले क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये क्या था, इंक्लूडेड था। लेकिन अब इसको अलग से ऐड कर दिया गया है और इसको अब इसके फॉर्म को एक्सप्लिसिट बना दिया गया है, जिससे कि ये सामने प्रकट हो रहा है, सामने हमें दिखाई देता है। ठीक है। मोर ओवर, द कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन इट्स आबादी सेशन एज अर्ली एज इन 1955 एंड टुक मेजर्स अकॉर्डिंगली। ऐसा ये कहा गया है कि इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने क्या किया था, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था खुद ही इन प्रिंसिपल्स को, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पर क्या बनाने के लिए, एक सोसाइटी बनाने के लिए, अपनी आबादी सेशन में, जो कि 1955 में हुआ था। ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, 1955 में एक आबादी सेशन किया था, जिसमें कि ये रिजोल्यूशन लिया गया कि एक ऐसी सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा कि जो क्या होगी, सोशलिस्टिक पैटर्न्स पर बेस्ड होगी। ठीक है। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए इन्होंने एक रिजोल्यूशन खुद ही अपनी असेंबली में इन्होंने क्या किया था, अडॉप्ट किया था 1955 के आबादी सेशन में। उन्होंने उस जो ये इनका सेशन हुआ था आबादी सेशन में, इन्होंने इसमें ये रिजोल्यूशन दिया था, रिजोल्यूशन में ये कहा था कि इन ऑर्डर टू रियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ कांग्रेस एंड टू फर्दर द ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहा गया था कि इन ऑर्डर टू रियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है। जो हमारे कांग्रेस का जो मेन उद्देश्य है, उस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए, और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो प्लानिंग होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि प्लानिंग शुड टेक प्लेस विद ए व्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। कहा गया है कि एक ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि जिसमें ये होना चाहिए कि एक ऐसे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट की परिकल्पना की जानी चाहिए, जहाँ की वेयर द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर सोशल ऑनरशिप और कंट्रोल। जहाँ पर कि क्या हो, जितने भी प्रिंसिपल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, जितने भी क्या हो प्रधान साधन हो उत्पादन के, वो सब क्या हो, उन सबको क्या हो, पूरा सोशल ऑनरशिप हो उनकी और सोशल कंट्रोल हो। ठीक है। यानी उस पर क्या हो, समाज की ओनरशिप हो, सभी लोगों पर उसका कंट्रोल हो। ठीक है। प्रोडक्शन इज़ प्रोग्रेसिवली स्पीडेड अप, और जो भी प्रोडक्शन हो
जो भी उत्पादन हो उसको क्या किया जाए, प्रोग्रेसिवली स्पीड किया जाए उसको, उसकी उसकी गति को क्या है, लगातार बढ़ाया जाए, तीव्र गति से उसको डेवलपमेंट को किया जाए, प्रोडक्शन को किया जाए। एंड देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल वेल्थ। और ये कहा गया कि इससे क्या होगा, वहाँ पर क्या हो, जो जो नेशनल वेल्थ है जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो वो क्या हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। मीन्स ये कहा गया कि जो जो हमारी राष्ट्रीय संपदा है उसका वितरण को वितरण क्या हो, समान रूप से सभी लोगों में हो। ठीक है, ये कहा गया कि जो नेशनल वेल्थ है उसका एक उसका हमारी कंट्री में सभी लोगों के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि सभी लोगों को हमारे जो भी संसाधन हैं वो सभी लोगों को हमारे देश के मिल सकें और किसी के पास भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। इसीलिए ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को बनाया गया था, इसीलिए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के लिए रिजोल्यूशन लाया गया था, जो कि लाया गया आबादी सेशन में 1955 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटेबली द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज़ ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ये कहा गया है कि इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें कि जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, जो इंडिया में जो सोशलिज्म यूज़ होता है वो क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, और जबकि वो क्या है, एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। ठीक है, वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। अभी इनको समझेंगे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है। ये बताया गया है कि हमारे देश में जो सोशलिज्म है वो कौन सा सोशलिज्म है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अब समझते हैं कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है उसको उसको स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म आल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो कि ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, इसके बारे में बताया गया है कि ये क्या करता है, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सोशलिज्म है कि जिसमें जो भी प्रोडक्शन के जितने भी मींस होते हैं, जितने भी साधन होते हैं उत्पादन के, और जो भी वितरण के जितने भी साधन होते हैं, उन सभी को नेशनलाइज कर दिया जाता है, उन सभी का क्या कर दिया जाता है, उन सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारे समाज में, हमारे अगर देश में जितने भी प्रोडक्शन, जहाँ से उत्पादन होता है और वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीज़ों का, जो भी उन सब चीज़ों का क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा उन सब संस्थाओं का। ठीक है, एंड द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और अगर किसी की कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, और उसको भी क्या कर लिया जाएगा, नेशनलाइज कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी ये जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है या स्टेट सोशलिज्म होता है, इसमें क्या होता है कि सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। ठीक है, सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के, उन पर जो सारा कंट्रोल होता है वो स्टेट का होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन का नहीं होता है। और यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी को कहते हैं हम कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ठीक है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जो है, पहले ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जो है वो चाइना में ये है, अप्लाई होता है, लेकिन इसका जो है प्योर फॉर्म नहीं है। अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, वहाँ पे भी प्राइवेट बॉडीज आने लगी हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में क्या है, प्योरली अभी भी कम्युनिस्टिक सोशलिज्म वहाँ पर प्रिवेल्ड है। वहाँ पे क्या होता है नॉर्थ कोरिया में, कि कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टीज़ को, या फिर जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के, उन सब पर स्टेट का कंट्रोल होता है और स्टेट की ऑनरशिप होती है, किसी की भी प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती है। तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को हमने समझा, इसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे नॉर्थ कोरिया में क्या है कि जितने भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी मीन्स हैं, जितने भी साधन हैं, उन सभी पर क्या होता है कि स्टेट का कंट्रोल होता है और कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो उसको अबॉलिश कर लिया जाएगा और उसका भी नेशनलाइजेशन कर लिया जाएगा और उसको वो पूरी तरीके से स्टेट के कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है,
आप समझते हैं कि जो हमारी कंट्री में जो सोशलिज्म का टाइप हमारी कंट्री में यूज़ होता है या हमारी कंट्री में जिसको अप्लाई किया जाता है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड्स फेथ इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट साइड बाई साइड। ये कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, वहीं दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो क्या करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसमें क्या होता है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड काम करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी ही होगी, सिर्फ प्राइवेट के लिए ही काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं। इसमें गवर्नमेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जितने भी प्राइवेट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हर किसी को काम करने का पूरा अधिकार होता है, पूरा राइट्स होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने उन्होंने कहा भी था, द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सेड वी हैव ऑलवेज सेड दैट वी हैव अवर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। जो हमारी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि हमने हमेशा ही ये कहा है कि क्या है, हमारे पास क्या है, अपना सोशलिज्म का ब्रांड है। ठीक है, वी विल नेशनलाइज द सेक्टर्स वेयर वी फील द नेसेसिटी। हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सारे मीन्स को ही क्या कर दें, सारे प्रोडक्शन के जितने भी साधन हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी साधन हैं, उन सभी को नेशनलाइज कर दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वी विल नेशनलाइज द सेक्टर्स वेयर वी फील द नेसेसिटी। हम वहीं पर नेशनलाइज करेंगे उन सेक्टर्स को, जो भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी सेक्टर्स होंगे, वहीं पे हम नेशनलाइज करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरी लगेगा। ठीक है, जहाँ पे नेसेसरी होगा। जस्ट नेशनलाइजेशन इज नॉट आवर टाइप ऑफ सोशलिज्म। कह रहे हैं कि हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण कर देना या हर चीज़ का नेशनलाइजेशन कर देना, ये हमारे टाइप का सोशलिज्म नहीं है। कह रहे हैं ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही काम कर सकें अपना। और ये इसमें क्या होता है कि एक जो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसमें कि दोनों ही सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, अपना आराम से काम करते हैं। As the Supreme Court says, democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity. इसमें कहा गया है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो उसका मेन एम क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना, गरीबी को समाप्त करना, इग्नोरेंस, ठीक है, यानी किसी की भी उपेक्षा ना की जाए, डिजीज़ यानी कोई भी बीमारियों को हटाना, रोगों को दूर करना, एंड इनइक्वलिटी जो समाज में असमानता है, कि इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो भी अवसर की असमानता है उसको क्या करना है, उसको समाप्त करना है। इंडियन सोशलिज्म इज़ ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज़म। ये कहा गया है कि जो इंडियन सोशलिज्म है वो क्या है, वो मिक्सचर है मार्क्सिज्म और गांधीज़म का, यानी उसमें क्या है, उसमें मार्क्सिज्म को भी फॉलो किया जाता है और गांधीज्म को भी फॉलो किया जाता है, लीनिंग हैवीली टुवर्ड्स द गांधियन सोशलिज्म। लेकिन जो इसका एक क्या है, जो थोड़ा ज़्यादा झुकाव है वो किसकी तरफ है, गांधियन सोशलिज्म की तरफ है, यानी गांधी जी के प्रिंसिपल पर ज़्यादा वर्क करता है, जो ये हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जो कि क्या किस पर काम करता है, जिसमें कि क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी के प्रिंसिपल पर काम करता है। और हमारे देश में क्या है, ऐसा नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। पब्लिक सेक्टर भी अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर को भी पूरी छूट होती है कि वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर पाए। ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसका हमारे देश में क्या एम है, कि पॉवर्टी ख़त्म हो, उपेक्षा न की जाए किसी की, डिजीज़ को हटाया जाए, और किसी के भी साथ क्या हो, अपॉर्चुनिटी की इनइक्वलिटी ना हो, ठीक है, अवसर की असमानता को समाप्त किया जाए। और जो हमारा इंडियन सोशलिज्म है वो क्या है, मिक्सचर है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का, यानी मार्क्सिज्म और गांधीज्म के का एक मिक्सचर है। और लेकिन जो इसके ज़्यादातर प्रिंसिपल हैं, इसका जो ज़्यादातर झुकाव है वो किस तरह पर, गांधीयन जो सोशलिज्म है, जो गांधी जी ने जो सोशलिज्म, गांधी जी के जो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उस सोशलिज्म
पर ये ज़्यादा ज़्यादा उस तरफ उसका झुकाव है, ठीक है, यानी ज़्यादा उसको फॉलो करता है, गांधीजम सोशलिज्म को फॉलो करता है एक तरीके से। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ऑफ लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ हाउ एवर डाइल्यूटेड द सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स ऑफ द इंडियन स्टेट। ये कहा गया कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, जो कि थी LPG जिसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसने उसके थ्रू क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी हद तक क्या किया गया, डाइल्यूट किया गया। मतलब सोशलिस्ट में ये होता है कि ज़्यादातर क्या होता है, सारा कंट्रोल स्टेट के पास होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या किया गया, हमारा जो इसको इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के थ्रू इसको पूरा लिबरलाइज कर दिया गया, और जो भी है पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे वर्ल्ड के लिए हमारे जो है इकोनॉमिक पॉलिसी को हमने ओपन कर दिया कि अलग अलग इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाया जा सके, या अलग अलग टाइप के लोग भी आके यहाँ पे क्या कर सके, अपना यहाँ पे जो भी है ट्रेड वगैरह कर पाए। तो इसीलिए ये पॉलिसी आई, ठीक है, नई नई कंपनीज के लिए बनाया गया कि आप आएँ और यहाँ पर भी अपना अपना जो भी है, अगर आपको कोई भी इकोनॉमिक जो भी वर्क हो, जो भी बिजनेस वगैरह है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉलिसीज बनाई गई थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हालांकि इससे क्या हुआ कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा उसमें लचीलापन आया है। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी कि जिसके थ्रू क्या था, पूरे वर्ल्ड में कहा गया कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी क्या है, कोई भी हम पूरे विश्व में कहीं से भी आकर हमारे भारत के संग क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट आया था और इसको पूरे वर्ल्ड में फैला दिया गया था। लेकिन इसी के साथ क्या हो, क्या कहा गया है कि हाँ, इससे हमारे सोशलिस्टिक जो करेक्टर है उसमें थोड़ा सा एक लचीलापन आया है क्रेडेंशियल में, लेकिन क्या है कि जब भी गवर्नमेंट चाहे तो वो जिस भी क्षेत्र का, जिस भी सेक्टर का अगर नेशनलाइजेशन करना चाहे तो वो कर सकती है। जैसे अभी भी हमारे इंडिया में जो कि न्यूक्लियर सेक्टर है, जो न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर होता है, वहाँ पर क्या है, वो सिर्फ नेशनलाइज्ड है। वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर रिसर्च से रिलेटेड जो भी सेक्टर है, वहाँ पे ये कहा गया है कि अभी वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया गया है, वहाँ पे टोटली क्या है, नेशनलाइज्ड है, वहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो पूरे नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है, नेशनल सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये कहा गया है कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसने पूरे वर्ल्ड में हमारे जो बिजनेस था, जो ट्रेड था इकोनॉमिक पॉलिसी में, इसमें काफ़ी क्या आए थे, ढील दी थी, काफ़ी इसमें जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई थी कि अब पूरे वर्ल्ड में हम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अपने जो है इकोनॉमिक जो भी हो, हमारे जो भी अगर कोई भी बिजनेस करना चाहे उसके लिए काफ़ी छूट दी गई थी। तो ऐसा इसमें कहा गया है। ये हमने देखा कि ये क्या था, सोशलिस्ट। ये अब आपको समझ आ गया होगा कि सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब क्या है और सोशलिज्म क्या होता है, ठीक है। और हमारी अगर पूछा जाए कि इंडिया में किस पैटर्न को फॉलो किया जाता है, इंडिया में क्या है, सोशलिस्ट है। कैसा सोशलिस्ट है, लेकिन क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है, जिसमें ये क्या है, मिक्सचर होता है, इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी के उसमें काम करता है, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एक साथ अपना मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्युलर। The term secular too was added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. इसमें ये कहा गया है कि जो ये secular word है, secular term है, इसको भी 42nd Constitutional Amendment Act के थ्रू, इसको Amendment Act के थ्रू ही 1976 में हमारे Constitution के preamble में add किया गया था। लेकिन however, as the Supreme Court said in 1974, कह रहे हैं कि however, लेकिन जो Supreme Court ने 1974 में कहा था, although the words secular state वर नॉट एक्सप्रेसली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहा कि भले ही जो ये सेक्युलर स्टेट का जो वर्ड है वो एक्सप्रेसली मैंशन नहीं है, डायरेक्टली मैंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन देयर कैन बी नो डाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश सच ए स्टेट एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकल्स 25-28 गारंटीइंग द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये कहा गया है कि हाउ एवर एज द सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1974, ऑल्दो द वर्ड सेक्युलर स्टेट वर नॉट एक्सप्रेसली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया कि हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1974 में ये कहा कि जो
सेक्युलर स्टेट है वो डायरेक्टली क्या है, ये बात ठीक है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली डायरेक्टली मेंशन नहीं है सेक्युलर स्टेट का कॉन्सेप्ट, सेक्युलर स्टेट का जो वर्ड है ये टर्म मेंशन नहीं है, लेकिन इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे ऐसा स्टेट, ठीक है, एक सेक्युलर स्टेट एस्टैब्लिश लेकिन वो करना चाहते थे, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनने क्या बनाया अकॉर्डिंगली, इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि आर्टिकल 25 to 28 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं जो कि हमें किस चीज़ की गारंटी देते हैं, गारंटिंग द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो हमको क्या देते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी देते हैं, ये फंडामेंटल राइट में आता है हमारा, ये फंडामेंटल राइट है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम अपनी इच्छा के अनुसार हम इस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट हैं कि हम जो चाहें, जिस भी रिलीजन को प्रोफेस करना चाहें, जिसको प्रैक्टिस करना चाहें वो हम कर सकते हैं, जिस भी धर्म को हम अपनाना चाहें अपना सकते हैं, ये जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था आर्टिकल 25 to 28 से, तो हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही इंक्लूड है, इसमें टोटली इनके बताने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को पढ़ा था हमने कि हालांकि उसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, लेकिन वो अपने इम्प्लिसिट फॉर्म में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही विद्यमान था, लेकिन जो जो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है इसके थ्रू उसको हमारे प्रीएम्बल में एक उसने क्या किया कि डायरेक्ट फॉर्म में, एक्सप्लिसिट फॉर्म में वो उसको व्यक्त किया गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है, ये कहा गया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि जो ये सेक्युलर का प्रिंसिपल है, ठीक है, सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, यानी सेक्युलर का मतलब है कि जहाँ पर ये जो इंडिया में है सेकुलर प्रिंसिपल यूज होता है कि जहाँ पे क्या है कि धर्म के आधार पर, रिलीजन के बेसिस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी धर्मों को एक समान रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है, लेकिन क्या है कि स्टेट का अपना कोई भी क्या है ऑफिशियल धर्म नहीं है, यानी हमारी इंडिया ने किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमारी दृष्टि में क्या है सभी धर्म क्या है एक समान है और सभी क्या है रेस्पेक्टेड हैं। तो ये कहा गया था इसमें कि सेक्युलर के कॉन्सेप्ट में कि हालांकि इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बाद में ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में, लेकिन जो कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 है जिसमें कि कहा गया था कि हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि हमको क्या है भारत के किसी भी नागरिक को क्या है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी रिलीजन को चाहे उसको प्रैक्टिस करे, उसको वर्शिप करे, उसके रिचुअल्स को फॉलो करे, ठीक है, ये पूरा उसके ऊपर उसके लिए वो फ्री है, ठीक है, हर कोई व्यक्ति। तो ये पूरे प्रोविजंस जो दिए गए थे आर्टिकल 25 से 28 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही दिए गए थे। तो ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो पहले से ही चाहते थे, उनका यही कहना था कि जो हमारा कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री बना रहे, यानी यहाँ पे क्या हो सभी धर्मों को समान माना जाए और सभी धर्मों को सम्मान दिया जाए, उनकी रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेक्युलरिज्म के पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को क्या करता है, एम्बडी करता है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को ग्रहण करता है, ठीक है, दैट इज ऑल रिलीजन्स इन अवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। इसमें ये कहा गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि सभी रिलीजन्स को हमारे देश में चाहे उनकी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है कि किसी की पावर ज़्यादा है कम है, ऐसा कुछ नहीं है, इस आधार पर कोई भेद नहीं किया गया है, लेकिन जो भी जितने भी रिलीजन हैं हमारी कंट्री में उन सभी को सेम स्टेटस दिया गया है और सेम सपोर्ट दिया गया है स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, ठीक है, यानी हमारे देश में सभी धर्मों को सेम स्टेटस दिया गया है और सेम सपोर्ट दिया गया है, ये इसमें समझाया गया है। और सेक्युलर का मीन्स ये है कि सेक्युलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है, हमारा इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है, इसमें ये भी होता है कि इसका कोई भी ऑफिशियल, हमने क्या है अपने देश का कोई भी ऑफिशियल जो है रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया है, हमारे लिए सभी धर्म क्या है सेम है।
तो एक बार देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स रिलीजन थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स कैन बी कंसीव्ड ऑफ। ठीक है, जो जो स्टेट्स हैं धर्म के प्रति उनके रवैये को देखते हुए, उनके एटीट्यूड को देखते हुए क्या है कि हमने जो स्टेट्स हैं उनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे नंबर वन एथिस्टिक स्टेट, नंबर टू थियोक्रेटिक स्टेट, नंबर थ्री सेक्युलर स्टेट। जो नंबर वन है एथिस्टिक स्टेट, एथिस्टिक स्टेट ऐसे स्टेट होते हैं जो कि क्या होते हैं, एंटी रिलीजन होते हैं। द स्टेट इज एंटी रिलीजन एंड हैंस कंडेम्स ऑल द रिलीजन्स। ऐसे स्टेट को क्या कहते हैं, एथिस्टिक स्टेट कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, धर्म विरोधी होते हैं, एंटी रिलीजन होते हैं। और वहाँ पर क्या किया जाता है, सभी धर्मों को कंडेम किया जाता है, मीन्स किसी भी धर्म की नहीं मानी जाती है, यानी धर्म विरोधी होते हैं वो, या उसको क्या कहा जाता है, नास्तिक स्टेट। ठीक है, एथिस्टिक स्टेट। और दूसरा स्टेट है ये है थियोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, थियोक्रेटिक स्टेट जो है उसमें बताया गया है कि द स्टेट इज प्रो रिलीजन एंड हैंस डिक्लेयर्स वन पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। ऐसा स्टेट जो कि जिसमें क्या हो कि एक पर्टिकुलर प्रो रिलीजन, मीन्स एक रिलीजन क्या है उन्होंने उसको बेसिस बना लिया है, और वो क्या करते हैं, इस बेसिस पर वो क्या करते हैं, एक रिलीजन, उस पर्टिकुलर रिलीजन को ही अपने स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड सो ऑन, ये सब क्या है, थियोक्रेटिक स्टेट है, जिन्होंने ये क्या है, प्रो रिलीजन वाले स्टेट है, इन्होंने एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसको अपने स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर कर दिया है। जिससे जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या होता है, इस्लाम है। ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि इनका एक पर्टिकुलर रिलीजन है, जो स्टेट रिलीजन है वो क्या है, इस्लाम है। ऐसे श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भी क्या है, प्रो रिलीजन कंट्री है या थियोक्रेटिक स्टेट है, जिन्होंने एक अपने पर्टिकुलर रिलीजन को इन्होंने उसको डिक्लेयर किया है कि ये हमारा पर्टिकुलर रिलीजन है। उसके बाद जो तीसरे टाइप के स्टेट होते हैं वो होते हैं सेक्युलर स्टेट, यानी धर्मनिरपेक्ष स्टेट या धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो ये द स्टेट इज़ न्यूट्रल इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड हैंस डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, एज फॉर एग्जाम्पल USA एंड इंडिया। सेक्युलर स्टेट से मतलब है कि ऐसा राज्य जो क्या हो, धर्मनिरपेक्ष हो। यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्रीज है। ठीक है, हम स्टेट राज्य ऐसे बोल रहे हैं कि पूरे देश को एक राज्य बोल रहे हैं, तब यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट में हम इसको बोल रहे हैं सेक्युलर स्टेट। एक ऐसा देश या ऐसी कंट्री, ठीक है, द स्टेट जो कि क्या है, न्यूट्रल है रीजनल रिलीजन के बेसिस पर, और उसका क्या है, एंड हैंस डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसलिए वो क्या है, न्यूट्रल है, इसीलिए वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं लेते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन का पक्ष नहीं लेते हैं एज द स्टेट रिलीजन। वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल हैं रिलीजन के मैटर में। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि USA और इंडिया, हमारा जो इंडिया है, इंडिया में क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कि हमारी कंट्री क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। यही चीज़ कि क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है, एक समान रिस्पेक्ट दी जाती है, और एक समान सभी धर्मों को माना जाता है, और किसी भी धर्म को क्या है कि स्टेट का जो है स्टेट रिलीजन हमने वो नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।